इस किसान आंदोलन के अंदर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किसी दूसरे बॉर्डर पर नहीं गया था। राजस्थान के अंदर किसानों का आंदोलन जब पंचायत चुनाव के अंदर हम गए, 17 जिलों के अंदर डिमांड थी कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए, संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का प्रयास जरूर किया इस सरकार ने 6 से 14 के अंदर। कांग्रेस के समय भी रिपोर्ट पड़ी थी लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं की। आप संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, ये देश का किसान चाह रहा है। और किसान शांति से आंदोलन कर रहा है, सभापति महोदय 200 से ज़्यादा जाने किसानों की चली गई, ये वो सब लोग हैं जो समय समय पर आपकी सरकार बनाने के अंदर इन्होंने जबरदस्त सहयोग भी किया। और मेरी अपील है कि तीनों कृषि बिल वापिस रहे। जब आप होल्ड कर रहे हैं, पहले आपने कहा कि हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, मंत्रियों को भेजा, सांसदों को इलाकों में भेजा, वहाँ भीड़ ही नहीं हुई आपके, कहीं 500, कहीं 1500, कहीं 2000 की भीड़ हुई, तब जाके कहा कि ये बंद करो अपने, देखेंगे आगे क्या होगा। तो सभापति महोदय आपने कहा अमेंडमेंट करेंगे, अगर सही था तो अमेंडमेंट किस बात का, फिर कहा होल्ड कर लो, सही है तो होल्ड क्यों करवा रहे हो आप। हम कोई छोटे किसानों के खिलाफ नहीं है लेकिन कम से कम देश आपको देश के किसानों ने, जवानों ने देश के सत्ता के शिखर पर इस भरोसे पर बिठाया कि देश को एक नई दिशा मिलेगी, 50-60 साल का जो एक भ्रम जाल था उससे देश को बाहर निकालेंगे प्रधानमंत्री जी, और आप अपने ही लोगों को उठा के और इस तरह सड़कों में बिठा दोगे। मुझे बड़ा दुख होता है जब भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो आंदोलन गाजीपुर, शाहजहाँपुर, दूसरे बॉर्डर पर चल रहा है, सिंघू बॉर्डर का नाम लेके दूसरे बॉर्डर का नाम लेके कहते हैं वहाँ तो बिरयानी खा रहे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, अलगाववादी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं। आप ये बताओ राजस्थान का किसान क्या माओवाद में बैठा है? या हनुमान बेनीवाल जो एनडीए का सांसद है, जो पूरे देश के अंदर शायद एक एमपी होगा, जो 60 दिन से लोकसभा चल रही थी आपके यहाँ आ गया, सड़क पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और एक बार जब हमने कूच किया दिल्ली की तरफ तो गृहमंत्री जी ने कहा कि एक बार रेफर करो, हम बात करें, मदद करेंगे। हमने आपकी बात भी मानी, दो बार बात मानी, आखिर हम भी किसान के बेटे हैं, अगर किसान तकलीफ में होगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते।